नमस्कार आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे होम क्वारंटाइन किचन में। आप सबने हमारी रेसिपीज को जो भी हमने शेयर करी उसको बहुत सराहा और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सबका। तो काफी टाइम हो गया है हम कुछ मसाले वाली चीजें बना रहे हैं, तो आज सोचा कि 5-6 मेन कोर्स के बाद लेट्स डू इट समथिंग इन डेजर्ट्स। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम होगा मैंगोलिशियस सेवैया कुल्फी होममेड स्टाइल में। बहुत ही बेहतरीन बनेगी, आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज इंग्रेडिएंट जो कि हम बना रहे हैं आज मैंगोलिशियस सेवैया कुल्फी। उसके लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पिस्ता, आलमंड और कैश्यू नट को हमने बारीक चॉप करके रख लिया है। चीनी ली हमने, शुगर, आम हमने बारीक काट के रख लिए हैं, सेवैया रोस्टेड वाली हमने यूज कर रहे हैं और खोया। ये हमने गाय का दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है 1 लीटर। रिड्यूस करेंगे इसको हम, ताकि काफी हद तक हमारा रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें हम रेस्ट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। हम पहले शुगर डालेंगे 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून। इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि अगर ज्यादा मीठा नहीं चाहिए या ज्यादा चाहिए वो आपके ऊपर है। और उसी के साथ इसमें हम अपनी सेवियां डालेंगे, बैम्बिनो। ये मैंने 30 ग्राम डाली है इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर तक स्टिर करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट है और हमारी बैम्बिनो सेविया भी ऑलमोस्ट काफी सॉफ्ट हो चुकी है। लास्ट स्टेप में इसमें हम थोड़ा सा खोया डालेंगे, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून एंड देन 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून खोया डाल के थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसमें थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे अपने नट्स, मैंगो डालेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून डालें। बाकी मैं बताऊंगा इसको कैसे डालना है, थोड़ा हम अपने गार्निश के लिए भी यूज करेंगे इन्हें। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज जस्ट ऑप्शनल। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम नीचे अपने नट्स डालेंगे, थोड़ा सा मैंगो रखा हमने नीचे, मैंगोलिशियस सेवैया कुल्फी बना रहे हैं हम। ये हमारा हो गया। हमारे तैयार हो गए हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें पिस्टैचियोस वगैरह उसे भी डाल देंगे, नट्स। थोड़ा सा चिल्ड होने के बाद इसमें हम स्टिक्स लगाएंगे। ये हमने हाफ एन आवर इसको फ्रीजर में रखा था, ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा जम चुका है। इसमें हमने स्टिक डाल दी है और इसको हम 2 से 3 घंटे अभी फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए, फिर इसको हम बाहर निकालेंगे।